फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, आज ये बनाया है मैंने मूंग दाल के डोसे। चावल और उड़द दाल के डोसे तो बहुत खाए होंगे। देखिए, मूंग दाल के भी डोसे बहुत अच्छे और इतने अच्छे क्रिस्पी बनते हैं कि, और उनका टेस्ट भी बहुत अच्छा रहता है, हेल्दी भी रहते हैं। तो देखिए, इसमें मैंने थोड़ा सा अदरक और एक मिर्च डाल दी है और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका एकदम बारीक पेस्ट बनाना है। और ये बहुत जल्दी ही बन जाते हैं, इसको ये रात भर का फुलाने का झंझट भी नहीं रहता है। और देखिए, इसमें मैंने फिर 2 चम्मच इसमें बेसन डाल दिया है। बेसन डालने से बहुत अच्छा स्वाद आ जाता है, चने की दाल जैसा। तो देखिए, इसमें बेसन डाल दिया, नहीं तो चने की दाल फुलाने में थोड़ा टाइम लगता है। और 2 चम्मच इसमें मैंने सूजी भी डाली थी, 2 चम्मच इसमें सूजी डाली और 2 चम्मच बेसन डाला है। सूजी डालने से एकदम क्रिस्पी बनेंगे, क्योंकि इसमें मैंने चावल का आटा नहीं डाला है, तो सूजी डाली है। सूजी से ही बहुत अच्छे क्रिस्पी बन जाते हैं। और देखिए, मेरा पेस्ट पिस गया है। और इसमें थोड़ी सी मैंने चीनी भी डाल दी है। चीनी डालने से डोसे का कलर बहुत अच्छा आता है, ब्राउन ब्राउन, और देखने में ही बहुत अच्छे लगते हैं। तो देखिए, मैंने एकदम बारीक ही इसको पीसना है, दरदरा नहीं पीसना है। और इतने जल्दी इसके अच्छे से बने थे डोसे कि इसको टाइम भी नहीं लगा था बिल्कुल। मैंने 1 घंटे के लिए ही दाल फुला कर रखी थी और इतनी जल्दी फूल गई, क्योंकि मूंग की दाल तो जल्दी से ही फूल जाती है। तो देखिए, अब इसको मैंने इससे इतना फेंटना है 4-5 मिनट के लिए, एकदम ये बैटर हल्का हो जाए, क्योंकि इसको फुलाया भी नहीं है। उस वाले बैटर को फुलाया जाता है, इसको मैंने फुलाया नहीं है, इसलिए ऐसे ही इसको इतना फेंटेंगे, इसको एकदम बैटर हल्का हो जाएगा। कम से कम 5-6 मिनट के लिए अच्छे से फेंट दीजिए तो एकदम बैटर हल्का हो जाता है और फूल भी जाता है। क्योंकि इसमें डोसे बनाने में सुबह के नाश्ते या शाम को नाश्ते में अगर भूख लगती है तो थोड़ी बहुत जल्दी से बनाइए, इसमें टाइम भी नहीं लगता है। और उड़द की दाल के तो उसमें एक दिन पहले फुला कर रखो, फिर दिन भर के लिए फूलने के लिए रखना पड़ता है, तब बनते हैं। और मूंग की दाल के झटपट से इतने जल्दी बन जाते हैं कि पता ही नहीं चलता। देखिए, अब इसको मैंने 10 मिनट के लिए फूलने के लिए रख देना है। इसे फूलने के मैंने रख दिया है 10 मिनट के लिए, अच्छे से फूल गया है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा दही डाल दिया है, इसको दही डाल के एकदम अच्छे से फेंटना है। और इसमें थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने नमक भी डाल दिया है, और इसमें नमक डाल के अच्छे से चलाना है ताकि अच्छे से इसमें मैश हो जाए। उसके बाद मैंने प्याज और टमाटर की चटपटी चटनी भी बनाई है, क्योंकि मूंगफली और नारियल की चटनी तो काफ़ी बार खाई है, लेकिन प्याज और टमाटर की इस तरह चटनी बनाते हैं तो बहुत अच्छी बनती है। देखिए, मैंने इसमें 2 टमाटर लिए हैं, 4 लाल मिर्च लिए हैं और 2 प्याज और करी पत्ते और लहसुन लिया है। देखिए, इधर मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया था, तो तेल अच्छे से गरम हो गया है मेरा। उसके बाद देखिए, इसमें डालेंगे, क्योंकि ये चटनी बहुत ही अच्छी लगती है, डोसे या किसी के भी साथ खाइए। मूंगफली की चटनी काफ़ी बार बना ली है, इसलिए मैंने कहा चलो उसकी चटनी बनाते हैं। अब इसमें सबसे पहले मैंने चना दाल डाल दी है, और इसमें थोड़ा सा राई डाल दी है, और थोड़ा सा जीरा भी डालना है। राई और जीरा दोनों डालते हैं तो टेस्ट बढ़िया आता है। और एक लहसुन की कली डाल दी है, और एक बारीक वो हरी मिर्च भी कट की थी, और एक प्याज भी डाल देंगे। प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस 1 मिनट तक ही चलाना है। उसके बाद देखिए कितना अच्छा कलर आएगा इसका, और बहुत अच्छी चटनी बनती है चटपटी इस तरह से बनाने से, और डोसे के साथ बहुत टेस्टी लगी थी। और देखिए, इसमें मैंने मिर्च भी डाल दी है, और उसके बाद फिर इसमें टमाटर भी डालना है। देखिए, और इस करी पत्ते भी मैंने, एक डंठल करी पत्ते का स्वाद अच्छे से आ जाता है जब पिस जाती है उसमें। तो देखिए, इस टमाटर डाल के एकदम सॉफ्ट करना है, और देखिए बहुत अच्छी सी चटनी बनती है, ये मूंगफली से भी अच्छी लग रही थी। और इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं और बहुत जल्दी पक जाते हैं, टाइम भी नहीं लगता है। देखिए, मैंने इसको 1-2 मिनट के लिए ढक के पकाया, और टमाटर कितने अच्छे मैश भी हो गए हैं। देखिए कितना बढ़िया चटनी मैश हो गई है। उसके बाद देखिए, मैंने ठंडा कर लिया है, बिल्कुल ठंडा हो जाए उसके बाद ही इसको पीसना है, नहीं तो गरम गरम पीसते हैं। और देखिए, ये मैंने इमली का पल्प थोड़ा सा फुला लिया था, और उसी को बैटर बना के इसका डाल दिया है। इमली के पल्प से बहुत अच्छे टेस्ट आता है, एकदम खट्टा कम, टमाटर एकदम ज़्यादा खट्टे भी नहीं आ रहे हैं।
तो अगर नींबू वो इमली नहीं है तो इसमें नींबू भी डाल सकते हैं, नींबू से भी अच्छा खट्टापन आ जाता है। और देखिए मेरी कितनी बढ़िया कलरफुल चटनी पिस गई है, और इसको देखिए इतना स्वादिष्ट लगी थी बढ़िया चटनी, बहुत अच्छी थी। देखिए बनाने में बिल्कुल टाइम भी नहीं लगा है, कितनी जल्दी से ही बन गई है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करके देखना, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और शेयर करना। और देखिए अब इसमें मैंने चटनी को निकाल लिया है, थोड़ा सा पानी डाल के उसको थोड़ा पतला कर लिया है। इधर मैंने तेल गरम कर लिया है, और इसमें करी पत्ते और थोड़ी सी मैंने हींग और एक राई डाल के इस पर तड़का लगाएंगे तो इसका स्वाद और भी अच्छा बन जाएगा। देखिए तड़का लगाने से कोई भी चटनी हो उसका स्वाद दोगुना हो जाता है, बिना तड़के की थोड़ी वैसी लगती है, जब उसमें तड़का लग जाता है तो बहुत इसका टेस्ट दोगुना बढ़ जाता है। देखिए कितनी बढ़िया टमाटर और प्याज की चटनी बनकर मेरी तैयार हो गई है, बहुत स्वादिष्ट थी। और देखिए अब मैंने इसको डबल उसमें एक कटोरी में और निकाल लिया है क्योंकि ये ज़्यादा है, और इसमें थोड़ा सोडा डाल देंगे। सोडा डालने से इसमें बहुत अच्छा जल्दी से ही फूल जाएगा, और एक खट्टा सोडा नहीं डाला है मैंने अलग अलग क्योंकि इसको बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा और तब तक वो उसका असर ख़त्म हो जाता है, इसलिए मैंने अलग अलग कटोरी में जब इसका बन जाएगा उसके बाद फिर उसमें भी डाल देंगे। और इधर मैंने तवा गर्म होने के लिए रख दिया है और तेल डाल दिया है, थोड़ा पानी डाल के तवे को अच्छे से साफ कर लेंगे। और देखिए एक चम्मच मैंने इसमें बैटर डाला है, देखिए कितने इसमें सोडा डाल दिया है तो उसकी वजह से देखिए कितने अच्छे एकदम बबल से आ रहे हैं, और अच्छे इसमें कलर भी देखना इतना जल्दी बन गया था ये, उसमें तो थोड़ा टाइम लगता है चावल वाले में, ये बहुत जल्दी, और इसका कलर भी इतना अच्छा आया था देखने में, इतना अच्छा लग रहा था, खाने में इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है, और बच्चों के लिए हेल्दी भी हो जाता है। मूंग दाल का किसी भी दाल का आप बना लीजिए, बच्चे तो दाल बच्चों को ज़्यादा अच्छी रहती है, प्रोटीन मिलता है। तो देखिए इसमें थोड़ा सा मैंने तेल लगा दिया इस तरह से तो और इसका कलर अच्छे से आ जाएगा, और देखिए एकदम लाल हो गया है, देखिए कितना अच्छा कलर दिख रहे होंगे आप लोगों को, और कितना बढ़िया बन के तैयार हुआ है, और इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। देखिए इस तरह रोल करके, और इसमें आलू की चटनी भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने सुबह से जल्दी से ही बनाया था तो इसकी आलू की चटनी, क्योंकि ये तो टमाटर की चटनी में ही बहुत अच्छा लग रहा था, इसी तरह मैंने दूसरा भी डाल दिया है। देखिए और कितने जल्दी जल्दी कलरफुल डोसे बन के तैयार हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, और सुबह या शाम के नाश्ते में बना कर भी इंजॉय कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। देखिए ये भी मेरा बन के तैयार हो गया है, और कितना बढ़िया रोल हो गया है, एकदम क्रिस्पी था, एकदम बहुत अच्छा इसका टेस्ट आया था। और देखिए मेरी टमाटर की चटनी और थोड़ी सी प्याज करके रख दी है, अब सम्राट लोगों को दे देंगे, तब तक वो खाएंगे। ये डाल दिया है, ये सिक रहा है तब तक। इसी तरह देखिए मैंने सारे बनाए हैं, कितने जल्दी और अच्छे बन गए, देखिए मेरी टमाटर और डोसे कितने बढ़िया बने हुए हैं। देखिए इसी तरह मैंने सारे बनाए हैं, इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और पसंद आए अगर आप लोग नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब भी करिएगा। देखिए कितने बढ़िया मूंग के डोसे बने हुए हैं, तो प्लीज़ वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरे डोसे कैसे लगे आप लोगों को, और एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना आप लोग बनाएंगे तो वहाँ पता चलेगा बहुत अच्छे से डोसे बने थे, और उसमें ज़्यादा एक दो दिन का झंझट भी नहीं रहता है, जल्दी से बनाइए और इन्जॉय कीजिए, बच्चों के टिफिन में भी रख सकते हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। देखिए कितने बढ़िया डोसे मेरे, इसी तरह मैंने सारे डोसे, देखिए कितने कोई भी डोसा ख़राब भी नहीं हुआ है, इतने जल्दी जल्दी से बनते जा रहे थे। देखिए कलर भी मैंने इसमें चीनी डाल दी थी, उसके वजह से देखिए इसका ब्राउन कलर कितना बढ़िया आ रहा है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए कितने जल्दी मेरे डोसे बन के तैयार हो रहे हैं, और अभी बारिश का मौसम है तो मूंग तो वैसे ही गर्म होती है तो इसलिए बच्चों को अच्छी भी रहती है। देखिए बड़ी जल्द से जल्दी से बनने वाले डोसे मेरे बन के तैयार हो गए हैं, और इसी तरह देखिए मैंने सारे डोसे बना लिए हैं, और एक भी तो चिपका नहीं, इतने जल्दी जल्दी बनते जा रहे थे, इसमें टाइम भी नहीं लगा। इसमें थोड़ा पानी लगा देते हैं और पोंछ के तवा डालो तो बहुत जल्दी से ही बन जाता है। तो देखिए मेरे डोसे बन के तैयार हुए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। और देखिए शाम का टाइम है, कितनी बारिश हुई है, यहाँ भी काफ़ी बारिश हो रही है, रोज़ ही बारिश हो जाती है, कितना सारा पानी भर गया है बाहर, तो ये विराट देख रहा था
जब क्योंकि बारिश होती है तो मैं तो ये नाव बना बना के इसमें डालते हैं पानी में और देखते हैं कि मेरी नाव कहाँ तक पहुँची है। देखिए अब इसको कितना मज़ा, क्योंकि इसको जहाँ पानी भरा मिलता है तो ये बहुत ही उसमें छप छप करके पूरे भीग गया था। दिन में अगर पानी बरसता है तो पूरे कुर्सी डाल के बाहर ही गेट के सामने बैठ जाता है, उधर नाव बना बना के हम लोग बना देते हैं, वो उसमें पानी में डालता रहता। तो देखिए अब छाता लेके खड़े हो गए भाई साहब, क्योंकि उधर भींग रहा था तो मैंने कहा छाता ले लो नहीं तो पूरा ही भीग जाओगे। देखिए कितना पानी बरस रहा है, पूरा भर गया है क्योंकि बहुत तेजी बारिश हो रही थी। और देखिए पूरे में पानी पानी ही हो गया है। अभी बारिश का मौसम रहता है तो तेल की चीज़ें खाने में भी अच्छा लगता है। तो